एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने का कुछ ऐसा चीज़ दे दो जो खाने पर ख़त्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा चिंगम। पति अपनी बीवी से, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बीवी, क्या? पति, वो क्या है कि ना, जब भी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ तो मैं दूसरे औरतों के बारे में सोचता हूँ। बीवी, कमीने, एक मैं हूँ, जब भी किसी के साथ रोमांस करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, अरे क्या हुआ, क्या तुम अपना पेन भूल आए हो? पप्पू फिर चुप। अध्यापिका ने फिर से, रोल नंबर भूल गए हो? पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? पप्पू गुस्से से, ओ चुप कर मेरी माँ, मैं यहाँ नकल के पर्ची गलत ले आया हूँ और तुम्हें पेन पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी हुई है। संता के घर बेटी पैदा हुई। उसका दोस्त बंता ने कहा, भाई बेटी के बाप होना बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी है, जब यह बड़ी होगी तो मोहल्ले के लड़के छेड़ेंगे और तुझे बहुत तकलीफ होगी। संता, मेरी बेटी को कोई नहीं छेड़ेगा। बंता, क्यों? संता, क्योंकि मैं अपनी बेटी का नाम दीदी रखूंगा। एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी बोली, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहते थे, पर मम्मी पापा चाहते थे कि लड़का नेवी में हो। एक लड़की की नई नई शादी हुई। सास बोली, मेरा बेटा लाखों में एक है। लड़की बोली, जी हाँ, वो मैंने देख लिया। सास बोली, मेरा बेटा रात को खर्राटे तो नहीं लेता? लड़की बोली, पता नहीं, अभी तो शादी के 2 दिन हुए हैं, सोएगा तो पता चलेगा। एक बार एक तोता फुल स्पीड में उड़ रहा था। उसके सामने अचानक एक फरारी आई। दोनों में टक्कर हुई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था, उसने तोते को उठाया और घर ले गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता का होश आया तो उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोला, आईला जेल। वो फरारी का ड्राइवर मर गया क्या? लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूँगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, तो अब 10 रुपये के मूँगफली में भंडारा करूँ क्या? कुछ लड़कियाँ तो इतनी खूबसूरत होती है कि लड़के अपने मन में ही खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं। जब भी धोखा मिलता है प्यार में, ज़िंदगी में उदासी छा जाती है। सोचते हैं छोड़ देंगे इस दुनिया को, कमबख्त दूसरी पसंद आ जाती है।